हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स एम श्योर आप जानते हैं कि कारेंस की थर्ड रो सीट बैक रिक्लाइन होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे आप मैक्सिमम 33 थ्री डिग्रीज तक रिक्लाइन कर सकते हैं विच इज़ इम्प्रेसिव अगर आप कारेंस लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर इंटीरियर परफॉर्मेंस फीचर्स और प्राइसिस के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरियंट बुक करना चाहिए चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्ड्स कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा एज सच बट इज अ डायमंड पैटर्न एंड अ क्रोम स्ट्रिप ऑन दिस प्लास्टिक कवरिंग ये डिजाइन इसकी हेडलैम्प असेंबली तक स्ट्रेच होता है वेयर इट सेपरेट्स द डूएल फंक्शन एल ई डी डी आर एल फ्राम द हेडलैम्प यूनिट इसके थ्री पार्टल्स एल ई डी रिफ्लेक्टर टाइप हैं द आउटर टू पार्ट्स आर फॉर द लो बीम एंड द इनर मोस्ट हाउसिंग इज फॉर द हाई बीम जो लाइट्स आप नीचे देख रहे हैं वो एल ई डी फॉग लैम्प्स हैं इसके फ्रंट बम्पर का डिजाइन और इसकी क्रोम डिटेलिंग इसे वाइड अपीयरेंस देती है फ्रंट प्लास्टिक क्लैडिंग स्लाइटली फ्लैर्ड फ्रंट क्वार्टर पैनल और बोनेट की क्रीजेस इसके डिजाइन में कुछ मसल ऐड करती हैं बट इसका फ्रंट एंड ज़्यादा अपराइट नहीं है सो इट वी फ्रंट बम्पर की प्लास्टिक रूफ रेल्स पे भी है दिस क्रोम ऑन द डोर हैंडल्स एंड ऑन द विंडो लाइन एज वेल फॉर सम अपट वाइब एंड आई ऑल्सो लाइक द शार्प पेपर इन व्हील्स का साइज छोटा लगता है बट इन पर्सन मुझे कारन्स अंडर टायर्ड नहीं लगी ऑल्दो आई डू अग्री के अस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अलॉयज शायद इसकी अपियरेंस और इम्प्रूव कर सकते थे और उस केस में टायर्स भी ज़्यादा वाइड होते फॉर किया ने इसका अलॉय साइज थोड़ा छोटा करके टायर वॉल ज़्यादा दे दी है इसका राइड पे कैसा इम्पैक्ट होगा ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे आई फर्स्ट सॉ द कार्स आई थॉट इसका फ्रंट ज़्यादा आई कैची है लेकिन इसे रोड पे ट्रैफिक में देख के मुझे लगा कि इसका रियर एंड फ्रंट के कंपैरिजन में ज़्यादा अपीलिंग है एवरी टाइम आई सी इट फ्रॉम द रियर आई फील दैट इट राइड्स हाई किया ने अभी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रिवील नहीं की है बट आई गेस इट शुड बी अराउंड वन नाइनटी मिलीमीटर मुझे इसका रियर लाइट वर्क भी अटेंशन ग्रैबिंग लगा एंड द प्रोमेंट क्रोम डिटेलिंग ऑन द थिक रियर प्लास्टिक क्लैडिंग लेंड्स इट एन एक्सपेंसिव वाइब इसके टेल लैम्प्स और रियर टर्न इंडिकेटर्स एलईडी टाइप हैं बट द रिवर्सिंग लाइट इज रेगुलर बल्ब टाइप इट इज़ वर्थ नोटिंग कि टेल लैम्प्स को जो रेड स्ट्रिप कनेक्ट करती है वो ग्लो नहीं करती विद ऑल द सीट्स अप कारन्स के बूट में मैक्सिमम 216 लीटर की स्पेस है और यहाँ दो बड़े बैग स्टैंड हो सकते हैं हवेव इस केस में थर्ड रो की सीट बैक ऑलमोस्ट वर्टिकल रहती है एंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू सी हेर नाउ द थर्ड रो कैन बी रिक्लाइंड एट मेनी एंगल्स टिल 33 थ्री डिग्रीज और इसकी मोस्ट रिक्लाइंड पोजिशन में भी यहाँ लैपटॉप बैग्स ईजिली आ जाएंगे थर्ड रो सीट्स को फुली फोल्ड करके यहाँ 645 लीटर की स्पेस मिलती है विच विल बी सफिशियंट टू कीप अ अड लगेज फॉर फोर टू फाइव पीपल इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके बूट फ्लोर के नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें अम्ब्रेला फर्स्ट एड किट या टायर इन्फ्लेटर जैसा सामान रख सकते हैं इसके अलावा बूट में नेट हुक्स और एक बल्ब है और इसका स्पेयर टायर बाहर से एक्सेस कर सकते हैं ओवरऑल आई वुड से कारन्स का डिज़ाइन एस जैसा नहीं है बट इट्स अ वेरी मॉडर्न लुकिंग एम पी बी विद अ डिजाइन दैट माइट इट इवेंचुअली ग्रो ऑन यू चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं हम टॉप का वेरिएंट चला रहे हैं और इसमें नेवी ब्लू एंड बेज इंटीरियर आता है अपार्ट फ्रॉम डैशबोर्ड टॉप स्टेयरिंग व्हील फ्रंट एंड रियर डोर पैनल्स और अपहोल्स ट्री पे भी बेज के साथ नेवी ब्लू कलर ही है लेकिन बी पिलर सी पिलर ऑनवर्ड्स फ्रंट एंड रियर का सारा स्विच केयर और इवन डैशबोर्ड का ग्लॉसी ट्रिम भी ब्लैक कलर में ही है फर्स्ट साइड पे मुझे बेज ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑकवर्ड लगा था बट इट हैज ग्रोन ऑन मी रियली क्विक इसके डैशबोर्ड के टॉप और लोअर पोर्शन पे हार्ड प्लास्टिक है एंड देर इज अ थिक ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम एंड मैट सिल्वर डिटेलिंग ऑन द डैशबोर्ड इस सिल्वर ट्रिम की अंडर साइड पे एम्बियंट लाइटिंग भी है एंड इट एक्सटेंड्स टू द डोर्स एज वेल इसके जस्ट ऊपर एयर कॉन्वेंट्स है विद अ वेरी यूनिक एंड ईजी टू ऑपरेट ओपन क्लोज एंड एयर डायरेक्शन चेंज मकैनिजम आई थिंक इस सिल्वर स्ट्रिप की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी बट अदरवाइज स्विच गेयर पॉप आउट का फोल्डर सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिट एंड फिनिश सैटिस्फैक्ट्री है ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा पेट बॉटल आ सकती है और पैसेंजर सीट के नीचे भी एक ट्रे है जिसमें कुछ सामान रख सकते हैं इसके अलावा दोनों फ्रंट डोर्स में तीन स्मॉल बॉटल्स रखने की स्पेस है और एक अम्ब्रेला होल्डर भी है डैशबोर्ड एक पॉप आउट कप होल्डर है ड्राइवर साइड पे एक स्मॉल पॉप आउट ट्रे है फ्रंट डोर एमरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस है विद एम्बियंट लाइटिंग और सेंटर आमरेस्ट के नीचे एक डीप ओपन पॉकेट है जिसके आगे कूल्ड कप होल्डर्स हैं गेयर लीवर के आगे वायरलेस चार्जर है जिसके अराउंड रेगुलर यू 12 वोल्ट और एक यूएस बी सी पोर्ट है जिनके साथ में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पार्किंग अलर्ट वीर पार्किंग कैमरा शॉर्टकट हिल डिसेंट कंट्रोल और ड्राइव मोड के बटन्स हैं इसके ऊपर एयरकॉन कंट्रोल्स का बड़ा पैनल है विद टच सेंसिटिव कंट्रोल्स अब टच स्क्रीन इन्फरटेनमेंट सिस्टम जिसके साथ एप्पल काफले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी ऑप्शन हैं इट इज वर्थ नोटिंग के एप्पल काफले रेगुलर यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट होता है एंड नॉट विध यूएस बी सी पोर्ट इस इन्फरटेनमेंट सिस्टम का टच फीडबैक अच्छा है एंड द आउटपुट ऑफ द बोस साउंड सिस्टम इज सैटिस्फैक्ट्री

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओ आर वी एम्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नोटेबल फीचर्स हैं मुझे इसका डैशबोर्ड हाई सेट लगा एंड आई थिंक इट्स नॉट ईजी टू जज द एक्सट्रीम्स ऑफ इट्स फ्रंट एंड सो फ्रंट पार्किंग सेंसर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑल्सो व्यू आउट फ्रॉम द आई आर वी एम इज डिसट इसकी विंडोज और विंड स्क्रीन काफ़ी बड़े हैं एंड अलॉन्ग विद द सन रूफ इट मेक्स द केब इन फीव एरी फॉर फ्रंट पैसेंजर्स नाउ आई हेव सेट दिस ड्राइविंग पोजिशन टू माई लाइकिंग चलिए अब इसके रियर में चलते हैं कारंस का केबिन बहुत ऊंचा नहीं है सो यू कैन इजीली वॉक इन एंड आउट ऑफ द कार अंदर बैठ के एंड विद द ड्राइवर सीट एडजस्टेड टू अ फाइव फ़ीट एट इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजिशन यहाँ मेरे पास एडिक्वेट नहीं और लेग स्पेस है विद स्पेस अंडर द फ्रंट सीट टू स्लाइड माई फीट मेरे लिए यहाँ हेड रूम भी मोर देन एडिक्वेट है एंड थैंक्स टू दीज लार्ज विंडोज़ आई फील दैट द केबिन इज एयरी इसकी मिडिल कैप्टन सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं और फ्रंट सीट्स के कंपैरिजन में ये थोड़ी ऊंची भी हैं एंड द बेस इज़ आल्सो जेनरस तो यहाँ अंडर था सपोर्ट अच्छा है मेरे लिए सीट्स एडिक्वेटली वाइड और कंफर्टेबल हैं इन सीट्स में एक अटैच्ड आर्मरेस्ट है एंड इज द डोर आमरेस्ट ऑन द अदर साइड विद लेदर फिनिश बोथ आर यूजल इट्स वर्थ नोटिंग के फ्रंट डोर आर्मरेस्ट की तरह रियर डोर आर्मरेस्ट के नीचे भी एक स्टोरेज स्पेस है विच इज़ लिट बाय एम्बियट लाइट टू बॉटल होल्डर्स इन द रियर डोर एज वेल इसके अलावा फ्रंट सीट्स में बैक पॉकेट्स हैं एंड देर फोन स्टोरेज बिहाइंडर बेंटर कंस्रोल में दो यू एस बी सी पोर्ट्स हैं एंड देर इज ए स्टाइलिश एयर फ्लो कंट्रोल डायल फॉर रूफ माउंटेड एयर कॉन्वेंट जिससे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप एयर डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं इनकेस यू डोंट वॉन्ट द एयर टू डायरेक्टली फॉल ऑन योर फेस और बॉडी ड्राइवर सीट के पीछे एयर प्योफायर यूनिट है विद आउट फॉर केब इन एयर क्वालिटी अंड टच सेंसिटिव बटन्स फॉर मोड डिस्प्ले लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल एयर फिल्टर यूजेज एंड पावर ऑन ऑफ ऑन द अदर हैंड पैसेंजर सीट के पीछे एक ट्रेटेबल है जिसमें फ़ोन या आई पैड रख के वीडियो कॉन्टेंट कंज्यूम किया जा सकता है आई वुड है अगर दोनों सीट्स के पीछे ट्रेटेबल्स ही होती हैं और एयर प्योरीफायर यूनिट सेंटर कंस्रोल की बैक साइड या टॉप पर इंटीग्रेटेड होता रिय पैसेंजर्स के परस्पेक्टिव से रिय डोर पडल लैम्प्स और विंडो करटिन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी थर्ड रो में जाने के लिए कैप्टन सीट्स के बीच में के लिए भी space है, लेकिन अदरवाइज इसकी दोनों मिडिल टम्बल होती rear, मैं इसकी राइट साइड right में कैप्टन सीट में मैनुअल टम्बल का ऑप्शन है और पैसेंजर साइड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टम्बल का बटन सीट बैक के ऊपर है जिसे प्रेस करते ही ये टम्बल हो जाती है गोइंग इट्स प्लेसमेंट आई फील इलेक्ट्रिक टम्बल फीचर की वजह से थर्ड रो पैसेंजर मिडिल को टम्बल करके बाहर निकलने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है खैर थर्ड रो में एंट्री मुश्किल नहीं है बिकॉज इसका फ्लोर ज्यादा हाई नहीं है और ग्रैब हैंडल कन्वीनियंटली पोजिशनड है ये हैंडल बैकलेट है बट यू वोट बी एबल टू स्पॉट इट बिकॉज ऑफ इट्स बैकलाइटिंग वाइल एंटरिंग द केबिन और बाहर निकलते हुए यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट थर्ड रो सीट में भी क्वेश्चन अच्छा है बोथ ऑन द बेस एंड बैक और ये सीट मेरे लिए जेनरस है यहाँ हेडरूम भी ओके है और एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल होने की वजह से यहाँ कम्फर्टेबली बैठना मुश्किल नहीं है बट कैन आई सिट बिहाइंड दिस सीट एज वेल जो एक फाइव फीट एट इंच पैसेंजर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है वेल येस एज यू कैन सी मिडिल सीट को अगर मैं फाइव फ़ीट एट इंच पैसेंजर के अकॉर्डिंग आगे स्लाइड करता हूँ देन आई हैव इनफ लेग स्पेस हेयर फॉर मी इस सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की जगह भी है और दोनों मिडिल सीट्स के बीच वाली स्पेस भी थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यूजेबल है थर्ड रो पैसेंजर्स के पर्स्पेक्टिव से यहाँ बैकलेट यू सी पोर्ट कप होल्डर और फोन होल्डर है ओवरऑल आई थिंक अगर आप फाइव या सिक्स पैसेंजर्स के लिए कोई कंफर्टेबल एम पी कर रहे हैं देन कारन्स शुड बी ऑन योर लिस्ट आई एम हैप्पी विद द इंटीरियर लेआउट इट फील्स मॉडर्न एयरी एंड गुड क्वालिटी इसके केबिन में बैठ के ऐसा लगता है दैट यू आर सिटिंग इन अ प्रीमियम कार चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं और इसमें थ्री इंजन ट्रांसमिशन राइट नाउ यह इंजन वन फोर्टी पी एस की मैक्सिमम पावर और टू फोर्टी टू न्यूट्रीमीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है इंपॉर्टेंटली पीक टॉक कम्स इन फ्रॉम फिफ्टीन हंड्रेड आरपीएम एंड स्टेज टिल थर्टी टू हंड्रेड आर पी एम एंड इट पिक स्पेस रियली विल

डीजल इंजन के केस में भी इसकी केबिन इंसुलेशन मुझे अच्छी लगी एंड द वर स्मूथ चलिए अब इसके नोटेबल फीचर्स देखते हैं एंड वी विल ऑल्सो टेल यू अबाउट टू बुक फाइव में अवेलेबल है प्रीमियम प्रेस्टीज प्रेस्टीज प्लस लग्जरी एंड लग्जरी प्लस सिर्फ लग्जरी प्लस वेरिएंट में ही मिडिल रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन है बाकी सभी वेरिएंट्स में मिडिल रो में बेंच सीट आती है वी थिंक द कैप्टन सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल और इनकी वजह से थर्ड रो पैसेंजर को भी एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिलती है तो अगर आप प्राइमरीली इसकी रियर सीट ही यूज़ करने वाले हैं या इसे एज अ कम्फर्टेबल फाइव सीटर लेना चाहते हैं एंड यू कैन बाय द टॉप वेरियंट एज वेल देन यू शुड कंसिडर बाइंग द सिक्स सीट वर्जन कारण स्टर्बो पेट्रोल मैनुअल पार्ट्रेन सभी वेरियंट्स में आती है इसके टॉप लग्जरी प्लस वेरियंट के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं एल ई डी हेड लैम्प्स एल ई डी फॉग लैम्प्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑटोडिमिंग आई आर बी एम 16-inch alloy wheels, tire pressure monitoring system, rear disc brakes, rear parking camera, rear defogger, 10.25-inch touchscreen infotainment system with wired Apple CarPlay and Android Auto, Bose sound system, wireless charger, auto AC, ventilated front seats, digital instrument cluster, sunroof, height-adjustable driver seat, rear puddle lamps, rear door curtains, leather upholstery, front seat back tables, six airbags, five USB-C chargers. इलेक्ट्रिक सेकेंड लोर टम्बल बैकलेट बोर्डिंग असिस्ट हैंडल्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल इनमें से ऐसे कुछ फीचर्स जो एक्सक्लूसिवली लग्जरी प्लस वेरियंट में ही आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं इनमें से बोझ साउंड सिस्टम वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सन ये इस वेरियंट को बुक करने के कम्पेलिंग फीचर्स हैं इफ़ आई वर इन योर प्लेस फॉर बाइंग अ ट्वेंटी लैख रुपी थ्री रो कार एंड कंसिडरिंग तो मैं इसका टॉप लग्जरी प्लस वेरियंट बुक कर लेता विद सिक्स सीट्स हमारे अकॉर्डिंग वायरलेस एप्पल का कापले और एंड्रॉयड ऑटो कूल ग्लव बॉक्स पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग कैमरा ये ऐसे फीचर्स हैं जो कारन्नस में मिसिंग हैं अगर आप कारन्स की सभी पावर ट्रेन की वेरियंट वाइज फीचर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेरियंट्स एक्सप्लेन वीडियो विद एक्सपेक्टेड प्राइस देख सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो so दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं इज नॉट अ कार जिसे आप इसकी लुक्स की वजह से लेंगे ऑल्दो इट लुक्स मॉडर्न द एक्सटीरियर डिजाइन इज पोलराइजिंग बट द मोमेंट यू सिट इनसाइड यू गेट अ स्पेशल फीलिंग इसका डैशबोर्ड डिजाइन अट्रैक्टिव है केबिन थीम और मटेरियल्स लग्जूरियस फील होते हैं इट इज़ फीचर रिच एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी थर्ड रो यूजबल है आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार फॉर फाइव टू सिक्स पीपल सो इफ इट इज़ प्राइज इन द रेंज ऑफ इलेवन लाख रुपीज टू सेवनटीन लाख रुपीज एक शोरूम पर्सनल यूज के लिए कारन्स शुड बी थ्री रो कार ऑन टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट और इसी के साथ खत्म होता है कारन्स का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू वी होप इसे देखने के बाद आप कारन्न से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर कर चुके होंगे अगर आपके कारन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सजेशन हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं